झुंझुनू जिले के चिड़ाव कस्बे में नव संवत्सर का स्वागत कार्यक्रम देर रात तक चला। चिड़ाव कस्बे के गांधी चौक में दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 दीपकों से गांधी चौक को जगमग किया गया। वहीं जय श्री राम के नारे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद मनोहर लाल जहांगीर थे, जबकि कार्यक्रम में बतौर अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष पवन महामंडिया समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नव संवत्सर का दिन हमारे लिए उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि नव संवत्सर के दिन ही न केवल हमारा नया साल शुरू होता है, बल्कि पावन नवरात्र भी शुरू होता है। इसके अलावा चेटीचंड भी नव संवत्सर के दिन से ही आता है। ऐसे में यह दिन हमारे लिए उत्सव जैसा है। नव संवत्सर 2079 की पूरे देशवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। आज चैत्र प्रतिपदा को नववर्ष का शुभारंभ हुआ है। माँ शक्ति के नवरात्र भी आज के दिन प्रारंभ हुए हैं। आज का दिन हमारे भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। आज जो सिंधियों के गुरु हैं उनका अवतरण भी आज ही के दिन हुआ है, और विक्रमादित्य के द्वारा यह संवत्स शुरू की गई थी और उसी परंपरा का हम निर्वहन करते जा रहे हैं। और बहुत सारी अद्भुत घटनाएं इस दिन के लिए हुई है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि नव संवत्सर के दिन ही शुरू की थी, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है, क्योंकि हमारा देश है वो आध्यात्मिक है, और इस आध्यात्मिकता के अनुसार भी हमें इस नववर्ष को बड़े उल्लास से मनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर दिन हर इस नववर्ष को प्रतिपदा को पूरे देशवासी अपने घर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं और इस नववर्ष को आनंद के साथ मनाएं। इसमें कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, और मैं ज़्यादा नहीं कह के यही कहना चाहूँगा कि इस नव संवत्सर पर सब नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।